मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और कुछ बाकी रह गया? बाकी तो बहुत कुछ रह गया। एक समय की बात है, हम गंगा स्नान के लिए गंगा घाट पर गए थे। हाँ, हम गंगा में स्नान करने के लिए गए थे कई वर्ष पहले। गए थे ना? हाँ। वहां पर आपका पगड़ी बदल यार एक मनसा सेठ था, हापुड़ के रहने वाले। वो आपके पगड़ी बदल यार बने। हाँ, मेरा पगड़ी बदल यार बना था। उनकी जो घरवाली थी वो मेरी धर्म बहन बनी थी। आपकी धर्म बहन बनी थी? हाँ। सत्य याद है मुझे पतिदेव, ऐसी कोई औरत नहीं है दुनिया के अंदर जो अपने जिगर के टुकड़े को, अपने लाल को अपने कहना चाहता हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। तुम लौटी क्यों? ये मेरा बेटा चंद्रगुप्त है, आप इसको ले जाओ और इसको गिरवी रखो। शेखाई शेखाई नहीं मत करे मेरे साथ। और कर भी क्या सकते हैं? क्यों शेखाई, इतिहास क्या कहेगा मुझे? इतिहास तो क्या कहेगा, छोटे के बारे में बिट्टी नहीं बता दू। शेखाई तेरी दिमाग की बुद्धि तो सही है, इसका दिमाग सही है। इसके अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं शेखाई। अरे यानर्स क्यों करवाती है? अरे हमारे और कोई लाल भी तो नहीं है, हमारे कोई एक ही तो बेटा है। बेटा चंद्रगुप्त, मेरे मेहरबानों, ये सांग गोनी, ये सांग नहीं। पंडित जी ने ये कहा है कि तो कुछ भी तुक नहीं, केवल हमारे दादी जी जयप्रकाश जी जो थानेदार साहब है, उनके सुपुत्र दादी 500 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेठानी, लोगों एक ही बात बताइए कि धर्म मनुष्य को कभी नहीं तजना चाहिए। अगर अधर्म किया है तो बिना कितने बड़े दुख सहन करने पड़ सकते हैं। क्या बेटा गिरवी रखा जाए? नहीं, आज अधर्म किया। सेठानी एक बात कह रही है कि माँ अपने बेटे को नू पकड़ा दिया, बोला जिस तरह ढोर नू पकड़ा दिया। छाती है उस माँ की, ऐसी अधर्म नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाहती है शेठानी? और कर भी कह सकती हूँ, इसके अलावा लाला जी अपने पास कोई चारा नहीं है। और मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। सुनिए मेरी बात को। Oh, so...
रुपए मांग लिए जाते Yeah.
लाला जी आपने अच्छा नहीं किया था धर्म छोड़कर। अगर आप धर्म कर्म नहीं छोड़ते तो आज अपन को ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या कहते हैं नमस्कार दादा ने।